बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो 1.6 है कि सॉल्व दिस मैट्रिक्स, मंदरजा जैल मैट्रिक्स को सॉल्व करें। ठीक, आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं तो इनको आपने हल करना है। कैसे करना है वो ज़रा देख लेते हैं। दो मेथड है हमारे पास, नंबर वन है इन्वर्स मेथड और नंबर टू है क्राइमर रूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स मेथड क्या होता है। लीनियर मुसावातों में क्या ऐसा, नंबर वन सवाल है हमारे पास। 1.6 में पहला क्वेश्चन हमारे पास, 2x-2y = 4, 3x+2y = 6। तो तीन मैट्रिक्स बनेंगे। सबसे पहले बनेगा ए, एक्स और वाई के साथ जो भी वैल्यू होंगी वो किस में आएंगी, ए में। यानी यहाँ पे एक्स के साथ 2 था, वाई के साथ -2, एक्स के साथ 3, वाई के साथ 2। दूसरी सब में एक्स ही बनेगी, ऊपर एक्स और नीचे क्या होगा, वाई। और इक्वल के बाद क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स बनेगा 4 और 6। तो ये हमारे पास है जी ए, एक्स और बी, तीन मैट्रिक्स बनेंगे हमारे पास ए, एक्स और बी। अब हमने देख लें ज़रा यहाँ पे, अगर ए और एक्स, पहले 2ax यहाँ से बना है और ये इक्वल किसके है, बी के। अब अगर हम एक्स इधर रहने दें तो ए उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। अब बी तो हमारे पास है तो ए इन्वर्स हमारे पास नहीं है, तो ए इन्वर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे आपको ए एक्स इक्वल है बी के, एक्स इधर रहेगा बी ओवर ए, ए की पावर नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो ए इन्वर्स बी बन जाएगा। तो ए इन्वर्स बी यानी हमने ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी के साथ। तो पहले ए इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ का भी इन्वर्स लेना, उसे सबसे पहले डेट लेते हैं, ए का डेट, डायगनल एंट्री माइनस नॉन डायगनल एंट्री। 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, 6 और 4 कितना हो जाता है, 10। तो अब हमारे पास ए का डेट है, अब ए का इन्वर्स ले लेते हैं। तो क्या फार्मूला इन्वर्स का, जिस चीज़ का भी इन्वर्स है उसका ऊपर एडजॉइंट आ जाता है और नीचे उसका क्या आ जाता है, डेट। एडजॉइंट क्या होता है जी, पहले भी बड़ी डिटेल से इसमें बात हुई है, डायगनल एंट्री की जगह क्या कर दें, चेंज, दोनों 2 2 ही हैं, और नॉन डायगनल के क्या चेंज कर दें, साइन, 2 माइनस का है तो प्लस का, 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और ए का डेट हमारे पास क्या है, 10। ये हमने फाइंड कर लिया ए का इन्वर्स। ए इन्वर्स 1/10 कॉमन ले लें यहाँ पे, 2 2 -3 और 2। अब अगर हम लोग देखें तो ए इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बी के साथ। तो अब हमारे पास बी है वो है 4 और 6, ए इन्वर्स हमने निकाला हुआ है, 1/10 कॉमन, 2 2 -3 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, वो है 4 और 6। मेथड वही है मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1/10 इस तरह कॉमन, 2 × 4 + 2 × 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कॉलम एक ही है तो सेकंड की ज़रूरत नहीं होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, −3 × 4 + 2 × 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कॉलम हमारे पास एक ही होगा और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1/10 इस तरह कॉमन, 4 2s are 8 प्लस 6 2s are 12 माइनस प्लस माइनस, 4 3s are 12 6 2s are 12, 1/10 20 0। अब देखो दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो 20/10 और 0/10, 10 2s are 20 और 0 का 0 ही हो जाएगा, 2 और 0। अब ये हमने
एक्स क्या है ए इनवर्स बी, यानी हमने ए इनवर्स बी मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो एक्स किसके बराबर है एक्स और वाई के, ऊपर वाली रकम किसकी होगी एक्स की और नीचे वाली किसकी होगी वाई की, तो एक्स इज इक्वल टू टू और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली वो टू थी और वाई की वैल्यू क्या निकाली ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन था। अब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन यहाँ पे ही है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो इसके लिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो वो बड़ा आसान होगा। अब देख लें ज़रा, अब दो इक्वेशन है हमारे पास, किसी इक्वेशन में भी ये एक्स और वाई की कीमत पुट कर, जैसे पहली इक्वेशन है हमारे पास है जी टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, तो एक्स की जगह पे हम क्या लगा देंगे टू और वाई की जगह पे क्या लगा देंगे फोर, ठीक है जी। हमारे पास है टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, तो वाई की कीमत हमने क्या निकाली हुई है ज़ीरो, टू टू आर फोर, टू ज़ीरो आर ज़ीरो, फोर माइनस ज़ीरो फोर इज इक्वल टू फोर, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी बराबर राइट हैंड साइड के, यानी जो हमने एक्स और वाई की कीमत निकाली है ये किसी इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन 1.6 में जी। क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल सेम इसी तरह है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव वाला देख लेते हैं ज़रा, ये थोड़ा सा चेंज है वो देख लेते हैं। फाइव वाला क्वेश्चन हमारे पास, फाइव वाला क्वेश्चन में वन में पार्ट फाइव है, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, और हमारे पास है माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू सेवन। पहले भी बता चुका तीन मैट्रिक्स बनेंगे ए, एक्स और वाई के साथ जो भी वैल्यू होंगी जो भी साइन होंगे वो ए में आ जाएंगे, दूसरा एक्स है ऊपर एक्स और नीचे वाई, और इक्वल के बाद क्या है हमारे पास बी फोर एंड सेवन। तो ए एक्स किसके बराबर है जी बी के, एक्स इधर रहेगा ए उधर जाए क्या हो जाएगा इनवर्स, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, तो ए का सॉरी ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स निकालेंगे तो उससे बाद बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस भी चीज़ का इनवर्स फाइंड करना हो उसका सबसे पहले डेट निकाला जाता है, तो ए का डेट निकाल लें, डायगनल एंट्री थ्री मल्टीप्लाई फोर साइन माइनस का आएगा, नॉन डायगनल माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस सिक्स, थ्री फोर आर ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व, ट्वेल्व में से ट्वेल्व बाकी ज़ीरो। अब डेट ज़ीरो आ गया, तो जब डेट ज़ीरो हो तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल होगा, या नो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है, यानी जब डेट ज़ीरो हो जाए तो आगे उसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। आगे इसका देख लेते हैं जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज में से, क्योंकि सारे क्वेश्चन हैं तो सेम इसके एक ही तरह से सारे होते हैं, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं एक और इसमें से करवा देता हूँ। क्वेश्चन देख लें ज़रा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग सेवन, वो है जी टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, माइनस फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। अब जी तीन ही मैट्रिक्स, पहले ए बनेगा टू माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू, दूसरा एक्स ऊपर एक्स और नीचे वाई, और इक्वल के बाद क्या है बी है फोर एंड माइनस टेन। ए एक्स इक्वल है बी के, एक्स इधर ही रहेगा ए इनवर्स बी। अब एक्स में जो है वो एक्स और वाई फाइंड होंगे, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी हमने सॉल्व करना है। ए का इनवर्स निकालने से पहले सबसे पहले ए का डेट ले लेंगे हम लोग, ए का डेट है हमारे पास
टू मल्टीप्लाई माइनस टू डाइगनल एंट्री माइनस नॉन डाइगनल एंट्री प्लस माइनस माइनस टू टू ज़ार फोर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फाइव टू ज़ार टेन तो क्या होगा माइनस फोर्टीन। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स के लिए क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डेट। एडजॉइंट क्या होता है चेंज द प्लेस ऑफ डायगोनल एंट्री की जगह चेंज कर दें। ये टू था तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा और माइनस टू की जगह पे टू और नॉन डायगोनल के क्या चेंज कर दें साइन। टू भी माइनस का तो प्लस का हो गया फाइव भी माइनस का तो प्लस का हो गया और डेट है इसका माइनस फोर्टीन। माइनस फोर्टी वन और माइनस फोर्टीन कामन माइनस टू टू फाइव एंड टू ये हमारे पास है ए इनवर्स। अब देखें ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास बी के साथ तो ए का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें बी से। तो इनवर्स में हमारे पास कामन है जी वन ओवर माइनस फोर्टीन माइनस टू टू फाइव एंड टू मल्टीप्लाई बी है हमारे पास फोर माइनस टेन। मेथड वही है मल्टी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन ओवर माइनस फोर्टीन माइनस टू मल्टीप्लाई फोर प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टेन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कॉलम एक ही है तो फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम फाइव मल्टीप्लाई फोर प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस टेन वन ओवर माइनस फोर्टीन माइनस प्लस माइनस फोर टू ज़ार एट प्लस माइनस माइनस टेन टू ज़ार ट्वेंटी फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी वन ओवर माइनस फोर्टीन माइनस एट माइनस माइनस ट्वेंटी एट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ज़ीरो। डिवाइड कर लें माइनस ट्वेंटी एट ओवर माइनस फोर्टीन ज़ीरो ओवर माइनस फोर्टीन माइनस माइनस से टू आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा ज़ीरो। ये है एक्स की वैल्यू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल है एक्स के। तो एक्स में ऊपर क्या होता है एक्स और नीचे क्या होता है एक्स इजिकल टू टू वाई इजिकल टू ज़ीरो। अब वही तरीका हम देखें अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं इसको तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको देख लें टू एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू फोर तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा टू और y की जगह पे क्या आ जाएगा ज़ीरो। टू टू ज़ार फोर माइनस ज़ीरो तो फोर में ज़ीरो बाकी फोर ही होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारी पहले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.6 थी तो जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है एक ही मेथड था सारे क्वेश्चन का एक ही तरीके से हल होने थे। तो ये था आज हमारा 1.6 में इनवर्स मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.6 का क्राइमर रूल जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।